हुआ मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों की भी अभी नई नई शादी हुई है। अच्छा हाँ। ये सरगुण कैसा लग रहा है शादी करके? बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। अच्छा तो लगेगा ही, इतनी बड़ी उम्र में शादी होगी तो है। शादी हो रही है, मेरे को दिल ही घबरा आ रहा है कि कहीं मुझे सास ये ना कहे कि खाना बना दे। इतनी बड़ी बात क्या बुआ जी, कह भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हमने शादी क्यों की है, वो है ना खाना बनाएंगे ना, रोटियां बनाते हैं। यस हाय, बेचारे का खाना बना बना के मुंह भी पुदीने वाले पराठे जैसा हो गया। इतना काम करवाती सरगुण, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती। देखो उससे खाना बनाती, खुद बाल में नूडल लगा घूम रही है। बुआ जी पहले तो ये बताइए कि लड़का कैसा है? शादी के बाद होगा ना। जी उस लड़के की बात नहीं कर रहे जो शादी के बाद होगा। हाँ। उस लड़के की बात कर रहे हैं जिससे शादी के बाद लड़का होगा, वो लड़का कैसा है? नो जी, वो तो भाई है। उसका नाम है गोल्डन भाई, वो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, उससे तो पूरी दुनिया डरती है। क्या बुआ किनको इम्प्रेस कर रही है? उनका अपना हस्बैंड देख जरा कितनी क्यूट जोड़ी, इधर आओ जरा ये देखो, ये देख, ये होती है जोड़ी। ये है जोड़ी, तेरी और गोल्डन भाई की लगती टांगा और घोड़ी। मैं बदल गया हूँ। अच्छा रवि एक बार बताओ, मेरी तो शादी हुए बड़े देर हो गई, मेरे को भूल गया। नहीं नहीं हुई तो बीवी रूठ जाती है, तो बनाते कैसे हो? ये अक्सर मुझसे रूठ जाती है और मेरे पास वैसे मनाने के बहुत सारे तरीके। अच्छा, लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये नहीं मानती है तो ये फिल्मी बहुत है, तो मैं इसके जो फेवरेट स्टार्स हैं उनको बुला लेता हूँ और उनसे मनवा लेता हूँ इसको। मतलब सब स्टार्स को घर बुलाते, बड़ा महंगा पड़ता होगा। नहीं नहीं घर नहीं बुलाता, मेरे अंदर से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे अंदर से स्टार आते हैं? जी जी जी, मेरे अंदर से तो डकार भी नहीं आते। अच्छा कैसे, मतलब स्टार कैसे आते हैं? कैसे मसले नहीं, रूठ गई। हाँ, इनके वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं कहो ना प्यारे के ऋतिक रोशन। ओके तो उनको बुला लेते हैं एक बारी। कैसे? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, आई मीन व्हाट अ फैंटास्टिक शो। इट्स जस्ट फैंटास्टिक आई मीन कपिल दादी अबुआ शिमोना, आप कौन है? बोलता जाऊंगा ये मेरी आदत है। Let's just, you know, move on. अच्छा ऋतिक के अलावा कुछ और? ऋतिक के अलावा इनके फेवरेट एक्टर बड़े ही मजे हुए कलाकार और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही वेटरन इंटेंस एक्टर नाना पाटेकर। अच्छा जी, वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। उनके साथ क्या होता है कि ये जब नाराज हो जाती हैं तो इन्हें कभी कभी ये प्यार से नहीं मानती और बड़ी संवेदना से नहीं मानती तो मुझे इनको थोड़ा गुस्से से मनाना पड़ता है। कि कैसे? मतलब हर बात पे नाराज औरत तेरी यही जात। ये तेरा गुस्सा, ये मेरा गुस्सा, ले दोनों को मिला दिया, बता इसमें तेरा कौन सा मेरा कौन सा। अरे जब अपने गुस्से को नहीं पहचान सकती तो छोड़ दे, भूल जा अपना गुस्सा। नाना पाटेकर साहब कितने रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा गाना गाते होगा ना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बता तेरे बिना कौन, मेरे बिना कौन। और कपिल जी अगर कुछ भी करके ये ना माने फिर तो ऑन अ सीरियस नोट मैं इन्हें इस तरीके से सीने से लगा लेता हूँ और इन्हें एक गाना गा के सुना देता हूँ। कैसे? मतलब थोड़ा बताओ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। जिंदगी अब तुम जोरदार तालियां ऐसे पति के लिए, शर्मा जी जरा कुछ सीख लीजिए, ये ऐसे मनाते हैं अपनी बीवी को। तुम लोग कॉमेडी नाइट्स में आके हनीमून पे आए हुए।